बढ़िया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ एक फ्रॉड हुआ जिसमें उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले गए थे। उसे थोड़ा अलग तरीके से फंसाया गया था कि उसके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में कुछ एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर हुई है और वो जो एक्सेस अमाउंट है वो मेरे दोस्त के अकाउंट में रिटर्न करनी है। तो उसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछी गई बैंक की, जो जनरली किसी को देनी नहीं होती है। वो मेरे दोस्त ने उसको दे दी और कुछ ही समय में उसके अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। मतलब मेरे दोस्त को 50,000 रुपए का लॉस हो चुका था। बैंक हमें जनरली ऐसे बताया करती है कि आपको ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका ATM पिन नंबर है या CVV कोड है या OTP है, ये किसी को शेयर नहीं करना है। पर कुछ लोगों को इस चीज़ों का नॉलेज नहीं होता और वो ऐसे चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं और अपने पैसे खो देते हैं। और काफ़ी बार ऐसे ट्रांजेक्शन से, ऐसे फ्रॉड होने के बाद वो उम्मीद भी खो देते हैं कि वो पैसे उनके अकाउंट में फिर से आ सकते हैं। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ भी तो भी आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में फिर से वापस आ सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुबोधन अंतमिस्त्री, आपका टेक फ्रेंड। लेट्स डू इट। सबसे पहली स्टेप जो आपको लेनी है, आपको आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाके चेक करिए, या तो आप अपने ब्रांच में जाके आपका जो पासबुक होता है उस पर आपके ट्रांजैक्शन प्रिंट करवाइए। तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। जनरली ये जो अमाउंट होती है वो कभी कभी किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होती है या तो वॉलेट्स में या तो किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर कुछ परचेस होता है। अगर किसी वॉलेट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो एयरटेल मनी वॉलेट है या फ़ोनपे वॉलेट है, तो आपको उस वॉलेट के कस्टमर केयर में फ़ोन करके बताना है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है जिससे जो ये अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, ये अमाउंट फ्रॉड तरीके से ट्रांसफ़र हुई है, उस स्पेसिफिक वॉलेट को आप ब्लॉक कर दीजिए। तो कस्टमर केयर वो सब चीज़ वेरीफाई करती है। अगर उनको पता चला कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो इमीडिएटली वो वॉलेट ब्लॉक किया जाता है और वो जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर इन केस उस अमाउंट से कुछ ऑनलाइन परचेस हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन से कुछ परचेस किया गया है या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस किया गया है, तो आप स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट या अमेजोन के कस्टमर केयर पे फोन करके उनको बता सकते हैं कि स्पेसिफिक ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट परचेस हुआ है वो प्रोडक्ट परचेस फ्रॉड तरीके से किया गया है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वो भी ये सब डिटेल्स वेरीफाई करके वो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं और वो जो अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हुई है वो रिटर्न आपके अकाउंट में आपको भेज देती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपको लेनी है, आपको आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और वहां पे FIR दर्ज करानी है। इसके लिए आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है, उसमें आपकी जो इंसिडेंट आपके साथ जो भी हुआ है वो डिटेल में उसमें मेंशन करना है लेटर में, और वो लेटर जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट कीजिए। वहाँ पे FIR मिलने के बाद वो लेटर की कॉपी और वो FIR की कॉपी लेके आपको आपके नज़दीकी जो आपकी बैंक है उस बैंक की ब्रांच में जाना है। वहाँ पे एक इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके साथ आपकी FIR की और लेटर की कॉपी उसमें अटैच कर दीजिए और वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन जो अभी हुआ है फ्रॉड ट्रांजैक्शन उनके क्राइटेरिया में आता है, तो 35 to 40 days के अंदर आपके अकाउंट में आपकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी, आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। पर काफ़ी बार अगर आपने खुद से सामने वाले जो हैकर से उनको OTP दिया होगा तो काफ़ी बार वो अमाउंट मिलती नहीं है, पर अगर कुछ केसेस में वो कंसिडर किया जाता है और आपके अमाउंट आपके अकाउंट में सेफली वापस आ जाती है। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना है, क्योंकि अगर एक बार आपकी जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुकी है किसी वॉलेट में, वहाँ से वो कहीं पे यूज़ हो गई तो फिर वो अमाउंट मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। या अगर किसी ऑनलाइन शॉपिंग से परचेस हुआ हो और वहाँ पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो भी वो अमाउंट मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी स्टेप्स लेनी है वो इमीडिएटली लेनी है। दोस्तों, अगर ऐसा फ्रॉड आपके साथ पास्ट में हुआ हो या प्रीवियसली हुआ हो तो ये स्टेप्स आपकी अभी मदद नहीं कर सकते, पर अगर फ्यूचर में ऐसे कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ या आपके रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ हुआ तो डेफिनेटली ये स्टेप्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, इस चीज़ का अवेयरनेस उनके पास आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे बढ़िया वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में डालिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी।